फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आंवला कैंडी। अब देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा ही पानी लिया है, बिकॉज ये क्वीन का स्टॉक पॉट है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा पानी लिया है। ये मेरे पास फ्रेश पेड़ से टूटा हुआ लगभग 2.5 किलो के करीब आंवला आया है। मैंने उसे वॉश करके और अच्छे से वॉश करके फिर मैं इसमें इस पानी में इसको रख रही हूँ। और इसे मैं सिम पे करके ही तब तक बॉईल करूँगी जब तक कि इसकी कलियाँ अलग ना होने हो जाए। और फ्रेंड्स, ये जो मैं रेसिपी आंवला कैंडी का, बिकॉज़ मैं इसे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैंने खुद इसे निशा मजूमदार के उसमें यूट्यूब चैनल में देखा, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग। अब आप ये देखो कि मैंने इसे लगभग 5 से 8 मिनट तक बॉईल किया है। मैं इसे देख रही हूँ, इसकी कलियाँ जो हैं वो अलग हो रही हैं। ऐसा होना चाहिए कि जब हम आंवले को पकड़ के प्रेस करें हल्का सा, तो उसकी कलियाँ अलग होने लग जाएं। फिर ये फ्रेंड्स, मैंने इसको ठंडा कर लिया है बिल्कुल। आप देखो, मैंने हल्का सा प्रेस किया, इसकी कलियाँ अलग हो रही हैं। बस यही हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, इतना होना चाहिए कि बॉईल हो जाए और उसकी कलियाँ जो है परफेक्टली अलग हो जाए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने निशा मजूमदार के यूट्यूब चैनल में देखा, वहाँ से सीखा। सो फिर मैंने सारी कलियों को अलग कर लिया। बीज हम अलग निकाल देंगे, क्योंकि ये एक एक कली जो है ये एक छोटे छोटे कैंडीज होंगे। क्या आप देख रहे हो पानी, मैं इसे फेंकूंगी नहीं, बिकॉज इसमें बहुत सारा वैल्यू है। तो मैं इसका क्या करूंगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये सारी कलियां जो हैं, इसे हम क्या करेंगे, मैंने एक बाउल में इसे डाल दिया है, बड़े बाउल में। और उन्होंने ज़्यादा चीनी बताया था, पर मैंने यहाँ पे कम चीनी लिया है। सो लगभग 2.5 केजी आंवले के हिसाब से मैंने यहाँ पे 1/2 केजी चीनी ही लिया है। पूरा उसको स्प्रेड कर दिया और इसे हम एयर टाइट में रख के ढक के अच्छे से, और लगभग 2 दिन हम इसे रख देंगे, जिससे कि चीनी जो है वो पूरी पिघल के वो आ जाएगी नीचे, जो कि एक्चुअली दूसरे दिन मॉर्निंग में ही आ गई थी, लेकिन उसे 2 दिन तक मैंने रखा, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि चीनी जो है वो आंवले के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे 2 दिन रखा। आप देख रहे हो पूरा चीनी पिघल चुका है, इनफैक्ट उसमें कुछ आंवले के वैल्यू भी दोनों डिफ्यूज होके ये आया है। अब हम इसे छान लेंगे, राइट फ्रेंड्स। ये जो छाना वाला पानी है, इससे हम आगे देखेंगे कि हम इसे हनी क्रिएट कर लेंगे एक्चुअली। तो हमने इसे पूरा का पूरा आंवला जो है, आप भी देखो प्रेस करके, आंवला ऐसा ही होना चाहिए कि वो प्रेस हो रहा हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो। हमने सब सारे आंवले के पीसेस को है जो हमने यहाँ पे छान लिया है, और छानने के बाद अब हम इसके कलियों को बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि ये हल्के हल्के से ऐसे एक बाउल में रखा था ना, तो आपस में चिपक गए हैं। इनको पूरा हम अच्छे से सेपरेट कर लेंगे और फिर इसे हम सूखने के लिए रखेंगे धूप में 2 से 3 दिन के लिए, जब तक कि वो ऐसा ना हो जाए कि ड्राई भी हो गया है, बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई ना हो, और हल्का सा प्रेस हो रहा हो तभी भी, क्योंकि कैंडी अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत हार्ड होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे धूप में 2 से 3 दिन तक हमें ड्राई करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारी कलियों को अलग कर लिया है, और ये जो बचा हुआ पानी है ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे हम हनी बना लेंगे, और ये हमारा जो पानी है ये बहुत ही हेल्दी है। आप ये देखो फ्रेंड्स, जो मैंने आंवला बॉईल किया था, तो जो पानी बचा था ना, ये मैंने फ्रिज में स्टोर किया था, इसे भी मैं इसमें मिक्स कर लूंगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट द वैल्यू। मैं आंवले के हर एक वैल्यू को यूज करना चाहती हूँ, तो इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब आप देख रहे हो कि लगभग मेरा जो
जो मेरा सॉटे पैन है वो लगभग लगभग फुल की तरफ है। मैंने इसे बॉईल करके फिर आप देख रहे हो कम से कम आधा कर दिया, जितना था वो पानी उसका आधा कर दिया है। और ये अब है हमारा कैंडी जो मैंने 2 दिन धूप में सुखाया, उसके बाद ये हमारे सामने है। प्रेस भी हो रहा है, ऊपर से कोई चिपचिपाहट नहीं है और बिल्कुल ही अलग अलग पीसेस हैं सारे। अब इसमें हम डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कैसा चाहिए, हम क्या करेंगे, हम इसमें भूरा मिलाएंगे जो चीनी का पाउडर होता है, या तो मार्केट में मिलता है आप उसको वैसे लेके मिला लें, या आप खुद भी चीनी पीस सकते हैं। और मीठा चाहिए तो, और अगर आपको चटपटा चाहिए तो उसमें हम थोड़ा काला नमक, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ी काली मिर्च, ये सब मिक्स करके उसको चटपटा स्वाद भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ये अपने बेटे रियांश के लिए बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा कि मुझे मीठा ही चाहिए, सो दैट्स वाई आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग एल्स। मैंने इसमें भूरा को मिलाया और बहुत अच्छे से ये ना ऊपर से कोट कर देगा आंवले को, और आपकी बहुत ही फ्लेक्सिबल आंवला कैंडी रेडी हो गया है। तो इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी निशा मजुमदार जी को, जिनके कारण मैंने एक नई रेसिपी बनानी सीखी। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी मेरी प्यारी रवीजा भाभी जी को, जिन्होंने मुझे इतना ऑर्गेनिक आंवला दिया कि मैं अपने बच्चे के लिए एक कैंडी बना के खिला सकूं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वो हनी है। मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा भी कर सकती थी, मैंने नहीं किया बिकॉज मैं इसे पानी में मिला के 2-2 चम्मच पीऊंगी और बहुत हेल्दी होगा। थैंक यू।